लगा इतना इतना किस लिए चाहिए हमें, तो मतलब मेन में लिखना ही तो है। बट जब हमने लिखना शुरू किया, यू वॉन्ट बिलीव गाइज, जनता सवाल एक सवाल पूछ रही है, उसका जवाब चाहती है, सर आपकी बीवी आपके लिए फ्रोजन सब्जियां क्यों नहीं बना के गई? ये हम पहुंच चुके हैं जहां पे वेडिंग और रिसेप्शन होनी है। कुर्ते पजामे में तो आप पापा जैसे लगते हो, इसमें तो बिल्कुल यंग लग रहे हो, देखो। अच्छा पहले नानू को किसी दो, पहले नानू को प्यार दो। अरे भाई कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, भाग भी रहे हो और बंद भी कर रहे हो उसके बाद। अशोर रहे अभी सीढ़ियाँ उतरना सीख रहा है। ओ ओ आराम से आराम से, एक ही स्टेप है तो इसलिए ये वाला मैं ट्राई करवाती हूँ इसको। अरे ऐसे आओगे क्या? भाग लिया भाग लिया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाग गया भाई भाग गया। ये छोरे शांगवन ओ कहाँ जाओगे इतनी स्पीड में? हाँ बताओ 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 कहाँ जा रहा है ये बच्चा, कहाँ जा रहा है भाई? और इस तरफ अगर मैं दिखाऊं, पापा ने नीचे कुछ सब्जियां लगा रखी हैं, ज्यादा नहीं नीचे इतनी है, बाकी छत पे लगाई हुई है पापा ने। तो यहाँ पे है मिर्ची, मिर्ची लगा रखी है, उसके बाद यहाँ पे हरे वाले प्याज ऊपर लगी हुई है मिर्ची, ये देखो चटनी बना दी है मम्मी, इनकी अच्छे से यूज हो रही है ये वाली, तो काफी तीखी है ये रॉकेट चिली की तरह। शोरी देखो बहुत सही लगा रखी है ये, उसके बाद ये कोरिएंडर धनिया, ये इतने अच्छे से अभी फैला नहीं हुआ, मम्मी भी आज वही बात कर रही थी कि लास्ट ईयर जब वो यूके से आई थी तब धनिया बहुत अच्छा था, इस साल अभी इतना अच्छा हुआ नहीं है। ये शोरे का डेली का रूटीन है, दिन में 4-5 बार नीचे आता है और यहाँ पे पूरा ऐसे खेल के जाता है, तो इसको काफी जगह मिल जाती है अंदर ही अंदर खेलने के लिए। ओ ओ मिट्टी में नहीं देना हाथ, नो नो नो, नानू मारेंगे अगर वो करोगे तो। वहां जाता है मिर्ची, वो जो छोटे वाले पौधे है, गया गया गया, डेली उनके ना पत्ते तोड़ के डाल देता है, बोलती भी उसको काइंड हैंड्स करके थोड़ा सा प्यार करता है, और जब मैं नहीं देख रही होती उसमें से एक आधा पत्ता तोड़ देता है, तो यहाँ खेलता रहता है। हमने कोशिश की थी कि जब घर बना रहे थे कि चाइल्ड फ्रेंडली होम हो, हर चीज जैसे पानी की टंकी होती है इधर ये वाली अच्छे से कवर हो, बाकी कोई ऐसी चीज ना हो जहाँ पे बच्चों का डर बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन फिर भी बच्चों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। और अंदर वो पीछे दिख रही हो शोरी की स्ट्रोलर है वहां पे अंदर की तरफ, और हो रही उधर, ये नीचे वाला फ्लोर अभी खाली। हाँ मैंने ये बताया था लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये पूरा बना नहीं हुआ था, ओपन छोड़ा हुआ था, कि बीच में ये जो बनाने वाले होते हैं ना वो फ्री नहीं थे, तो अब मैं गई हुई थी तब पीछे से अब इसको कंप्लीट कराया है, ये सामने भी लगा दिया ऐसे और पीछे की तरफ भी यही सेम है। हमारे यहाँ पे ना नीचे ग्राउंड फ्लोर यू कैन यूज दैट एज कमर्शियल, तो उस हिसाब से बनाया है कि आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो दे कैन यूज दिस एज अ ऑफिस या जिम का सेटअप या कुछ ऐसा, दीपक को कभी कुछ करना होगा या भाभी को कुछ करना होगा दे कैन यूज दिस, उस हिसाब से बनवाया है ये, अदरवाइज पार्किंग के लिए तो काफी वैसे भी जगह है ही उधर। और हम नीचे आए तो कुछ काम करके जाएंगे, शोरे झाड़ू लगा देगा भाई इधर, ओ ओले लगा दो झाड़ू लगा दो अच्छे से, ओ कर दी सारी सफाई, कर दी नानी के घर की सारी सफाई कर दी मैंने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, और नया दिन नया व्लॉग शुरू करें। अच्छा मैं ले लूँ, मेरे से नीचे बात कर रहा है, कभी फोन पकड़ा रहा है कभी बॉटल पकड़ा रहा है, खोल के दे दूँ क्या? ऐसे बोलूँ कि मम्मा खोल दो, हेलो। और ये सुबह सुबह मुझे और कुछ काम समझ नहीं आया तो मैंने बोला मम्मी लाओ मैं आपके ना सारे पॉली बैग्स अरेंज करके रखती हूँ, तो जो ऐसे ये वाले डिफरेंट स्टफ के हैं इनको एक तरफ, जो बड़े बैग हैं उनका एक तरफ, और उस तरफ मैं छोटे वो पॉली बैग्स वगैरह रख रही थी, सब्जी वगैरह के साथ फ्रूट्स वगैरह के साथ वो आ जाते हैं, वैसे घर से बड़ा बैग लेके जाते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल फ्रूट और सब्जियाँ आती हैं वो फिर उस तरह के छोटे बैग्स में लेके आते हैं, मम्मी ऐसे रख देती हैं, मैं उनको अरेंज करके रख रही थी थोड़ा। और यहाँ पे ये किस नंगू पंगू की नाई नाई का टाइम हो गया, मैं बिल्कुल सही फिट आ जाता हूँ टब में और मैं ऐसे नाई नाई करता हूँ यहाँ पे ऐसे बैठ के, है ना? आ, ब्रश की भी ट्राई करता हूँ मैं। तो अब दोपहर को खाना खा के शोरे सो चुका है और मुझे थोड़ी देर में अपना ऑफिस शुरू करना है, उससे पहले अभी सुबह बैठ के ना
फाइनली हाँ शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 2-3 दिन लगे हमें सेटल होने में, अपना सब कुछ नॉर्मल वो करने में, चीज़ों को जचाने में इधर से उधर, लेकिन अब फाइनली शादी की तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। सबका ना ऐसे वो लेवल बहुत बढ़ा हुआ है घर में, पापा का अलग लेवल पे है, मम्मी का और ही अलग लेवल पे है, भाई का भी अलग लेवल पे है क्योंकि उसको भागा दौड़ करके सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। तो मैं अभी ना इनकी मीडिएटर बनी हुई हूँ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, भाई के साथ, सबको ठंडा रखने का काम जो है मेन वो मेरा है, इनको ठंडा रखना है। तो आज सुबह बैठ के मम्मी के साथ, मम्मी बहुत टेंशन हो रही है कि इतने ही दिन रहने, ऑलमोस्ट महीना है अभी शादी में, महीने से थोड़े दिन कम, तो मम्मी ने तो ऐसे काउंटिंग शुरू करके, बस इतने दिन रह गए हैं, तुमने कोई तैयारी शुरू नहीं की, कैसे होगी, तुम्हारा काम बिगड़ेगा देखना आखिर में, ये वो इस तरह टेंशन हो गई है मम्मी को। तो आज फाइनली बिठा के मैंने मम्मी को, हमने लिस्ट बनानी शुरू की और मम्मी लेके आई ऐसे ये A3 साइज का पेपर। मैं लगा इतना किस लिए चाहिए, हमें तो जब मेन में लिखना ही तो है। बट जब हमने लिखना शुरू किया, यू वॉन्ट बिलीव गाइज, ये देखो इस तरफ से भर गया ये पेज और इस तरफ से भी ना ये पूरा पेज भरा हुआ है। सारे फंक्शंस की लिस्ट हमने इसमें डाली है कि किस दिन क्या होगा उसमें, फिर हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये रसम है तो इसमें ये चाहिएगा, ये रसम है तो इसमें ये चाहिएगा, वो सब मेन मेन लिस्ट बन गई है। अब डिटेल में हर चीज़ जैसे जैसे शॉपिंग करते जाएंगे वो सारी हमें करनी है, और वो जब करूँगी आई इंक्लूड यू गाइज एज वेल जब भी हम बाहर जाएंगे। बीच में अभी कल गए थे मैं और दीपक बाहर गए थे, वो मुझे लेके गया था, मैं अपने साथ ना फ़ोन ले जाना भूल गई तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई उस टाइम पे, आदत है ना मुझे इतनी। कल किया हमने, हम गए थे कार्ड वाले के पास, दीपक ने कार्ड पसंद किया हुआ था वो उसने दिखाया, तो उसमें जो मुझे चेंजेस करवाने थे वो किए हमने, जो उसके अंदर का टेक्स्ट होता है सारा वो उनको लिखवाया कि क्या क्या है, किस किस के नाम आएंगे, ये वो ट्राई किया हमने। आज शाम को उसकी ड्राफ्ट कॉपी आ जाएगी, फिर पापा को दिखा के उसका अप्रूवल हो जाएगा कि हाँ हमने ठीक ठाक लिखवा दिया है। पूछ के गए थे पापा से सबके नाम, और फिर अब पापा से अप्रूवल हो जाएगा उस चीज़ का। डिज़ाइन मम्मी को भी पसंद है, हम सब सिंपल सा है वो, तो कार्ड का काम करके आए, घर के लिए छोटी मोटी जो चीज़ें चाहिए थी वो लेके आए। एक हमारे उसमें किचन में ना ऐसे ड्रॉअर में जो ऑर्गेनाइज़र होता है चम्मच वम्मच रखने का, वो हमारी थोड़ा साइज डिफरेंट है, वो हमें मिला ही नहीं था, और वैसे भी हिसार में ना इतने मिलते नहीं है, तो उसके लिए हम गए थे हार्डवेयर की शॉप पे, तो उन्होंने बोला कि आप बड़ा जो हमने जो ऑर्डर किया हुआ था वो बड़ा आ गया था, तो कहते उसी को ना चाकू से काट लो, तो वो आज दीपक ने कर दिया है काम, दिखाऊंगी मैं अभी किचन में है वो। और क्या किया था कल, और भी कुछ करने गए थे, 3-4 काम करके आए, ऐसी बात नहीं है हम। और फिर ये था कि कल से शुरुआत की है, आज ये लिस्ट बन गई है, मम्मी ने अपनी तरफ से सब कुछ लिखवा दिया, अब मुझे बैठना है दीपक के साथ, सेम लिस्ट को आई गो थ्रू विद हिम, उसमें वो अपने पार्ट ऐड करेगा, फिर जब पापा आ जाएंगे फिर पापा से सारा पूछ के, सारा अप्रूवल लेके कि ये ठीक है क्या, ये ठीक है क्या, वो अप्रूवल लेके पापा से पूरा, देन जुड़ते हैं सब काम पे अब, ठीक है। बहुत अब बहुत मस्ती हो गई है, काम शुरू करना है, बहुत काम है। आज तो लिखते हुए ना मुझे भी लगा अब बहुत ज़्यादा काम है, सोनिया शुरू कर लेते हैं अब, तो आप भी जुड़े रहें हमारे साथ और इसी तरह अपना प्यार भी देते रहें, और आप भी हमारे साथ शादी को एंजॉय करें। हाय लड्डू। हाय गाइस। आओ, अभी यीशु का फोन आया हुआ था, अभी वो रेडी हो रही है स्कूल के लिए सुबह सुबह। हो जाओ बेटा रेडी, हो जाओ, कोई बात नहीं, रेडी हो जाओ आप अच्छे से। पूरा सब कुछ बटन लगाने, मुझे नहीं पता था ये शुरू बटन लगाने आते हैं, अपने बटन लगा लेती है। लड्डू अब तो सारा काम आप पे कर लेता है मेरा बेटा, टाइम से उठ जाती है, रेडी भी हो जाती है भाई, फिर पापा को उठाती है कि अब छोड़ाओ कल कपड़े भी धोए, इतने कपड़े कैसे हो रहे हैं बेटा आप इतनी बार कैसे, अच्छा वो हो जाते हैं स्कूल वाले हो जाते होंगे, रेनर्स हो जाते होंगे, ठीक है। अच्छा ये तो बताओ बर्तनों का क्या हाल है, पापा कहाँ है, पापा से बात करवाना, लाइन बनी हुई है ऐसे पापा से करवाना बात। हाँ जी, क्या हाल चाल है बर्तनों का, बर्तन कोई नहीं, आप बर्तन धोदा दिए, मतलब आप ये जो लाइन कह रही है वो दूसरी लाइन के बारे में बात कर रही है। ओके, जनता सवाल एक सवाल पूछ रही है, उसका जवाब चाहती है, सर आपकी बीवी आपके लिए फ्रोजन सब्जियाँ क्यों नहीं बना के गई। फ्रोजन सब्जियाँ मैं खाता नहीं भाई, मैं ऐसे मैं एक दिन पुरानी सब्जियाँ ना खाऊं, और कुक्ड सब्जी और वो भी फ्रोजन, ओहो काफी लोग ये बोल रहे थे कि सोनिया एटलीस्ट ना तुम लोगों के लिए सब्जी तो बना के जा सकती थी, सो दैट्स द रीजन राजीव कभी भी खाना दोबारा नहीं खाते हैं गर्म करके। फ्रोजन जो सब्जी होती है बनी बनाई जो होती है बहुत
जरूरी होते हैं गट्स के लिए और मतलब बॉडी के लिए। हाँ। फ्रोजन वैसे सब्जी काट के रख सकते हो बिना बनी हुई। हाँ, तो सब्जियां मैं काट के रख के आई थी, फ्रिज अगर खोलोगे तो उसमें पंपकिन भी काट के रखा हुआ है, बीन्स रख के आई थी, कुक करके नहीं करके आई हूँ। अब वो है कि राजीव अपनी मर्जी से बनाएंगे। कल हमने क्या खाया था? क्या खाया? कल हमने चाउमीन खाई थी। आए, वो तो चाचू ने बनाई शायद, वो तो चाचू की वो है। ठीक है, ओके, चलो आप चाचू के साथ अभी स्कूल जाओ, फिर चाचू के साथ एंजॉय करना बेटा, ठीक है। और जो मैं आपको ऑर्गेनाइजर का बता रही थी, दीपक ने जो अरेंज किया वो ये, तो इसमें दिक्कत क्या थी, जो ये वाली बाउंड्री है ना, ऐसे तो लेंथ में तो ठीक थी, लेकिन जैसे विड्थ है इस ट्रे की, विड्थ ज़्यादा थी, क्योंकि अगर आप बाउंड्री पे देखो ये इतना तो इन्होंने ना ऐसे दिया हुआ है, तो दीपक ने पीछे वाली साइड से उसको काट दिया है, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से सही फिट आ गई है। और अभी ये हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे वेडिंग और रिसेप्शन होनी है, मुझे वो जगह देखनी थी, तो इसलिए मैंने दीपक को बोला कि मुझे वो जगह दिखा के लेके आओ। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए कहाँ पे क्या सेटअप होगा, कैसा लगेगा। अभी ये शायद किसी की शादी हुई होगी, रात को उनका सेटअप लगा हुआ है। अभी एक डॉगी है आगे शोरी, तो इस तरफ हॉल है, अभी वो लाइट वगैरह ऑन कर रहे हैं, स्टेज बन जाएगी ना यहाँ पे। हाँ जी, पूरी पीछे वहाँ पे इसके साथ में डीजे लग जाएगा जी। हाँ जी, और इधर सारा मान लो लिक्विड की स्टॉल लगी, फिर फ्रूट चाट काउंटर खाना सब सिस्टम सारा अंदर ही सेट हो जाएगा 200 आदमियों का, तो ठीक प्रॉपर पूरे अच्छे तरीके से जी। लाइट है? ओके, लाइट अभी है नहीं, तो थोड़ा सा डार्क है इधर, लेकिन नहीं ठीक है, देखना ही था बस हमें तो। अभी ये रॉ फॉर्मेट में मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं पूरा प्रॉपर अच्छे से भी दिखाएंगे। बीच में फंक्शन देखने आएंगे हम यहाँ पे एक, तब ये दो चौधरी हैं हमारे जो डिसाइड कर रहे हैं हर चीज। हाँ जी, चलो, छोड़ दिया मामू ने हाथ, ओह गया गया पानी में गया, देखते ये वो गया, कितना खुश हुआ है डॉगी को देख के। फेरों के लिए हम सोच रहे हैं इस तरफ अलग से यहाँ पे फेरे हो जाएं, इसका सेटअप बने, तो यहाँ पे और कुछ नहीं होगा, सिर्फ फेरों का सेटअप बनेगा यहाँ से लेके वहाँ तक, दैट्स इट। और फिर इस तरफ जो बिल्डिंग है उसके अंदर लंच का सारा वो प्रोग्राम हो जाएगा, और जो मेन फिर शादी का फंक्शन जैसे है रिसेप्शन का है, वो जो पीछे आपको जितना दिख रहा है एक वो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे, शोरे मेरी गोदी में है तो मैं हाथ से नहीं समझा सकती, एक तरफ जो पिंक सी बिल्डिंग दिख रही है उस तरफ, और जो दूसरा उधर टेंट लगा हुआ है वहाँ पे रिसेप्शन का फिर रात को होगा। वहाँ से एंट्री होके ऐसे पूरा लंबा वो बन के फिर ये इस तरफ है जो सेटअप होगा, और वो रहा स्टेज जो रात के लिए रेडी होगा। फिर इन्होंने बोला है कि बीच में एक बार एक वेडिंग है उस पर आओ, आपको अच्छे से डेकोरेटेड सेटअप दिखेगा सारा, और फिर हमारी तो मेन शादी जब होगी तब उसमें अभी टाइम है, तो अभी वही हम डिस्कस करने आए हैं सारा। तो रिसोर्ट से हम वापस आ चुके थे, उसके बाद क्या किया था हमने, हम वैसे बस जनरली घर में वैसे बिजी हो गए थे, पीछे वहाँ पे मम्मी खाना बना रही है, आज बन रही है उसकी गाजर मटर की सब्जी बन रही है, वहाँ पे मम्मी बिजी हो रखे हैं, और मैं दिखाती हूँ कि पापा और शोरी क्या कर रहे हैं। ये रे भाई नाना और दोइता, पापा आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, हैं ऐसे ये वाला पहना करो, तो कितने प्यारे लग रहे हो इसमें आप, कुर्ते पजामे में तो आप पापा जैसे लगते हो, इसमें तो बिल्कुल यंग लग रहे हो, देखो ये पापा के लुक देखो भाई, दीपक ने चेंज करवाई है अब जब पापा बीमार हुए थे, उसके बाद से थोड़ा रिलैक्स हो करने के लिए पापा को, रिलैक्स फिट, वरना पापा ने ना ऐसा कभी नहीं पहना था इससे पहले, अब थोड़ा मानने लग गया हमारी बातें भी जब हम बोलते हैं ना पापा को बीमार होने के बाद से, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं देखो। अरे लाइट, अच्छा बोल रहा है कि नानू लाइट ऑन कर लो, वीडियो में अच्छे से दिखेगा फिर। हाँ, अरे बाबा गोदी मत लो पापा ऐसे, एक हमारे पापा ना ये बात नहीं मानते हमारी कि शोरे को गोदी मत लो। हाँ ये दे दो, अच्छा पहले नानू को किसी दो, पहले नानू को प्यार दो। यहाँ पे डेली शोरे जो है नानू के साथ जय जय करता है उधर, जय 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 जय। अरे शोर ना अपना डिनर कर चुका है, उसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिनिश कराया है, अब स्पेशल गया है पापा के पास उधर, जैसे मैं पापा खाना लेके आई वहां जाके बैठा है पापा के साथ खाना खाने के लिए, डेली ऐसे करता है ये। अच्छा पापा वाली वो सुनोगे क्या, पापा शाम को ना ऐसे न्यूज वगैरह लगाते रहते हैं पॉलिटिकल और जो भी किसानों से रिलेटेड उस तरह कुछ सुनते हैं। लो कहते नानू बंद कर दिया मैंने ये, तो
हाँ अब खाना खाएंगे। खाना खा रहे हो आप? खा लो। बोलो नानू खिला दो। हाँ नानू खिला दो, थोड़ा और खिला दो। और उस तरफ जो है वहाँ पे वो पापा की मेडिसिंस वगैरह रखी हुई है। सब बहुत अच्छे से क्लोज्ड हैं और वो लिड भी ओपन नहीं होती है तो वो शोर से सेफ रहती हैं। ये लो नानू खिला रहे हैं बेटा, ये देखो। आ, 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 आ। तो अभी डिनर विनर करके मैं मम्मी और शोर आ गए थे इस रूम में। मम्मी कुछ गप्पे उप्पे मार रही थी मेरे साथ, मेनली फूड की बातें कर रहे थे हम कि क्या क्या कर सकते हैं खाने में, कौन से खाने मतलब आइटम्स जो रखवाने होते हैं अलग अलग फंक्शंस पे, उसका कुछ वैसे ही रैंडम डिस्कशन कर रहे थे मिठाई के ऊपर। और वहीं पे बीच में बातें करते करते फिर शोर सो गया था। इसको यहाँ पे यहाँ सुलाया था सीधा ऐसे, और ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में जाके सोया और ऐसे गहरी नींद में सोता है। और वहाँ अगर आप पीछे देख रहे हो मेरे ऑनलाइन ऑर्डर जो मैंने किए थे वो आ चुके हैं, यहाँ पे भी ऑनलाइन ऑर्डर किए थे वो आ चुके हैं। अभी दो दिन मिलके ये खोल के एटलीस्ट ये था कि खोल दिए हैं, जो मुझे ठीक लगे वो रखे हुए हैं। अभी पहन के कुछ भी ट्राई नहीं किया है, वो सब अभी देखते हैं। अभी सिर्फ इतना चेक किया था कि कपड़ा किसका ठीक है, जो ऊपर जो भी उस पर ऊपर कुछ कुछ लगा होता है वो सब किसका ठीक है किसका नहीं है। रिटर्न करने वाले थे वो रिटर्न कर चुके हैं। इनको एक बार अच्छे से कल दिन में अगर टाइम लगा तो चेक करूँगी, फिर जो रिटर्न करना है वो रिटर्न हो जाएगा। ये सब काम करना है, लगेगा आधा पौना घंटा इसमें भी। बस ये था आज की अपडेट में। कल की अपडेट में मैं देती हूँ, शादी की कार्ड का फर्स्ट ड्राफ्ट आ चुका है, प्लस जो शादी के मेन फंक्शंस हैं उनका फूड मेन्यू, मतलब वो बड़ी लिस्ट उन्होंने भेज दी है, हमें डिसाइड करना है अभी। तो कल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बताती हूँ। होप आप लोगों को ये शादी की प्रेपरेशन वाला वीडियो अच्छा लग रहा होगा, द ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर कोई इम्प्रूवमेंट के लिए पॉइंट्स हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहें। गुड नाइट, बाय।